देखिए फिल्म मेरे लिए तो कोई भी फिल्म हो सब मेरे लिए बराबर है। मेरी अपनी फिल्म जिंदगी मुंबई जो अब नेक्स्ट महीना रिलीज़ पे है, और उसके बाद मैंने रेत फिल्म करी और वो भी रिलीज़ पे है, और इसके बाद मेरे लिए इश्कबाजियां हैं, और इश्कबाजियां मेरा एक प्रोजेक्ट जो ड्रीम प्रोजेक्टों में से एक माना गया है। और सबसे बड़ी खास बात तो ये है कि इस प्रोजेक्ट को लेकर हम अपने शहर में शूट करने वाले हैं, कानपुर शहर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी यूपी में बहुत सी फिल्में हैं जो बॉलीवुड मूवीज़ हैं जो यूपी में शूट हो रही हैं, विशेष लखनऊ कानपुर शहर में, क्योंकि वहाँ की तहजीब और वहाँ की जो आबो हवा है थोड़ा बॉलीवुड को बहुत जस्ता है। और ऐसा इतिहास है बॉलीवुड का कि जो भी शूट लखनऊ और उसके आसपास जिलों में किया गया सुपरहिट, अब जैसे आप बुलेट राजा देख लीजिए, इशक ज़ादे देख लीजिए, और कई फिल्में हैं और जो बड़ी फिल्म हिट हैं, तो एक हिट का जो दौर चल रहा है उत्तर प्रदेश में, उस मौके का फ़ायदा सब उठा रहे हैं, तो मैं भी उठा रहा हूँ। और मैं अपने शहर में कानपुर शहर में इसका शूट करूँगा इश्कबाजियाँ का, और जिसमें बहुत कुछ है फिल्म में कमर्शियल हमने चीज़ें रखी गई हैं और मशहूर है, जैसे वहाँ की कबूतरबाजी, पतंगबाजी, कट्टेबाजी और ख़ास बात लौंडियाबाजी, उन सारी बाजियों में एक बाजी हम भी खेलने जा रहे हैं जिसका टाइटल है इश्कबाजी। और इन बाजियों में लगता है कि हमारी टीम और हम सब मिलकर इस बार बाजी मार जाएंगे। देखिए कभी अपनी फिल्म, मेरी जो फिल्म है मेरे लिए एक बच्चे के समान होती है, और कहते हैं बच्चों का कभी सौदा तय नहीं किया जाता, और मैंने अभी तक जो भी फिल्में करी हैं अपनी स्टोरी अपनी कहानी के माध्यम से, वो मैंने उन्हीं जगहों को चिन्हित किया जो उस कहानी के लिए बिल्कुल ठीक बैठती हैं। जैसे मेरी फिल्म जिंदगी मुंबई मुंबई की थी, मैंने बॉम्बे में पूरा उसका शूट किया, और रेत मेरी फिल्म जो है वो भी बॉम्बे की कहानी थी, मैंने वहाँ शूट किया। अब मेरी कहानी की डिमांड है कि इसको हम कानपुर शहर में शूट करें, तो इस फिल्म को लेकर हम जा रहे हैं। बाकी एक हमारा प्रोस्पेक्टस होता है कि जो अगर हमारे वहाँ की उत्तर प्रदेश सरकार हमें सहयोग देगी तो आगे भी भविष्य में भी हम अपनी फिल्मों को वहाँ लेकर जाएंगे। फिल्म को बनाने से भी ज़्यादा मुश्किल फिल्म को निकालना होता है, पर्दे पर तक लाना, तो वो चुनौती कैसे आप? देखिए एक्चुअली क्या है ना कि अगर आपके पास आजकल का जो समय है उसमें एक चीज़ जो देख रहे हैं आप, कभी मल्टीप्लेक्स का समय है, और मल्टीप्लेक्स में मेरा मानना ऐसा है कि जो मल्टीप्लेक्स में बैठने वाला जो दर्शक है हमारा, वो 300-400 रुपए की एक टिकट लेके खर्चा कर रहा, वेल एजुकेटेड है, उसको अभी हीरो नहीं चाहिए, उसको कंटेंट चाहिए। तो पहली एज अ राइटर एज अ डायरेक्टर मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी फिल्मों के जो भी कंटेंट है वो सुपर्ब होने चाहिए। और मेरी ज़िंदगी मुंबई, जैसा आप जब जानते हैं कि हमने ट्रांसजेंडर के ऊपर फिल्म करी है जिसको मीडिया ने बहुत सराहाया, दैनिक जागरण, अमर उजाला, IBN 7, तमाम बड़े चैनलों ने उस फिल्म को दिखाया बताया, तो और फेस्टिवल में भी उस फिल्म को मैं लेके जा रहा हूँ। तो ऐसे कॉन्सेप्ट पे ही मेरा काम करने का उद्देश्य है, और जहाँ पर समय ज़रूर लगता है, लंबी रेस के घोड़े होते हैं वो धीरे दौड़ते हैं पर दूर तक दौड़ते हैं। आज ये गाना गाने का मुझे मौका मिला, इश्कबाजियां एक फिल्म आ रही है उसमें, और नितेश ने बहुत अच्छा कंपोज किया है, आई एम वेरी हैप्पी, और आई एम श्योर कि लोगों को बहुत पसंद आएगा गाना जब रिलीज़ होगा। और जो ख़ास बात मुझे लगी इस गाने की कि मैं यूजुअली रोमांटिक सॉन्ग्स गाता हूँ या तो सूफी सॉन्ग्स, इस गाने में जो मैंने बताया अभी नितेश को कि ये गाना दोनों का मिक्स है, बिल्कुल रोमांस है इसमें, सूफीज़म दोनों है। मतलब मैं जब कंपोज कर रहा था सॉन्ग, तो मैं मतलब आपकी आवाज़ से मैंने बहुत सुनी है, तो फिर मैंने बोला कि भाई से मतलब दो ऐसा लग रहा है ये गाना दो सिंगरों ने गाया है, मतलब ऐसा ही है। हाँ। बट बहुत अच्छा लग रहा है मतलब, और काफ़ी अच्छा गाया आपने। थैंक यू सर। जो मेरी उम्मीद थी उससे भी ज़्यादा गाया आपने। थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि लोगों को पसंद आए। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो किस तरह सिचुएशन है ये, क्या मतलब इस बात या जो फिल्म है तो ये जो गाना है सिचुएशन क्या है? सिचुएशन के बारे में कंपोज़र बेहतर बता सकते हैं, जो इन्होंने मुझे समझाया। मतलब मुझे सिचुएशन ये बताया गया कि रोमांटिक सीक्वेंस है, फर्स्ट टाइम मतलब हीरो और हीरोइन एक दूसरे को मीट कर रहे हैं, और बस रोमांटिक गानों के लिए तो कोई सिचुएशन नहीं, बस दिल अच्छा होना चाहिए, और मैं मानता हूँ मेरा कुछ ज़्यादा अच्छा क्या भाई? नहीं नहीं बहुत अच्छा है, और लिरिक्स भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इट्स नॉट रेगुलर लिरिक्स जो होते हैं वो। मेहरबान भाई ने लिखा है लिरिक्स अभी, मेहरबान खुश रहिए, आप ज्वाइन कीजिए प्लीज़। ठीक है, थैंक यू। बोल सर, बोलने के लिए तो मना किया सर, बोल क्या बताऊँ। बिल्कुल, मैं कानपुर से हूँ, लिरिक्स राइटर, और नितेश सर से बहुत दिन से उनके साथ काम कर रहा हूँ, और जो अभी अनीश सर ने हम लोग को मौका दिया काम करने का। इस बाजे मूवी बहुत अच्छा हिट हो, नाम कमाए बस, और भाई ने बहुत अच्छा गाना गाया है इसमें, और इरफान भाई तो ऑलरेडी हिट है, अच्छा प्यारा गा दिया है, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हैं हम लोग। तो इसके अलावा कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो करीब काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है? नहीं, अभी काफ़ी गाने तो रिकॉर्डिंग्स चली रही हैं, कुछ गाने आ रहे हैं, जैसे रिसेंटली पलटन में मेरा रिसेंटली गाना आया था, और ऐसे कुछ फिल्में हैं जिनमें गाने आ ही रहे हैं, बट इस गाने को लेके मैं थोड़ा इंतज़ार करूंगा। बिल्कुल, कि जब बाहर आएगा तो लोगों को पसंद आएगा। सिंगल्स का दौर तो सिंगल्स में कंपनी, मैं समझा कंपनी बात कर रहा हूँ, सिंगल्स
सिंगल सॉन्ग के लिए? अच्छा, सिंगल्स के लिए नहीं, मैं ऑलरेडी टाई अप में हूँ एक म्यूज़िक कंपनी के साथ, बहुत जल्द उसका आपको बाहर सुनने को मिलेगा। पहली बात तो ये जो स्टोरी है बहुत ही अनोखी स्टोरी है, आपने बहुत सी लव स्टोरी देखी होंगी लेकिन ये अनोखी स्टोरी है। हमारे अनीश भाई ने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बनाया है और जब इन्होंने मेरे को नरेशन किया तो मुझे बहुत स्टोरी पसंद आई और मैं इंटरेस्टेड हुआ इस प्रोजेक्ट करने के लिए। और बात ये है कि अनीश भाई एक ऐसे डायरेक्टर है जो पूरे क्रिएटिविटी के साथ खेलते हैं, तो क्रिएटिविटी बहुत ज़रूरी भी आज के टाइम में। तो हम एक फिल्म बनाते हैं, एक अच्छी क्रिएटिविटी लेवल ज़रूरी है उस पिक्चर के लिए। हाँ, हिंदी फिल्म मेरी पहली डेब्यू फिल्म है और उससे पहले मैंने भोजपुरी में एक फिल्म की है हल्फा मचा के गए, जैसा कि आपको पता ही होगा। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसके लिए क्योंकि स्टोरी बहुत अच्छी है और अलग ही कॉन्सेप्ट है इसमें। तो लकी, मैं बहुत लकी जैसे बोल रहा हूँ, एक्साइटेड भी बहुत हूँ क्योंकि लकी तो होगा ही है बंदा, एक रीजनल फिल्म से एक बहुत बड़े लेवल पे अपने आप को एक जगह मिलना बहुत बड़ी बात है हमारे लिए भी, और एक डायरेक्टर को हमारे पे बिलीव करने के लिए बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने एक ऐसी स्टोरी, लव स्टोरी, पहले जो मैंने फिल्म की वो एक्शन थी और ये एक लव स्टोरी है, तो इसमें मेरे को मेरे लिए भी एक टास्क है एक अच्छे लेवल पर उसको प्रमोट करूँ और अपनी तरफ से पूरी उसकी क्रिएटिविटी दूँ। इसलिए तो मैं शुरू से बोलता रहा हूँ, हर किरदार जो होता है हमारे लिए एक्टर के लिए एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है और उसको प्ले करना हमारे होना चाहिए कि हम बस उसको अच्छे से प्ले करें, और क्योंकि हमारी फिल्म जो होती है सबके लिए एक फैमिली जैसी है और उसको पूरा कंट्रीब्यूट करना ज़रूरी है। और ऐसा कुछ है जो आप कहना चाहेंगे, बताना चाहेंगे जो हमें नहीं पता है, मतलब एक्टिंग के अलावा और कुछ करते हैं जो आप बताएं? बाकी तो मैं अभी थोड़े इवेंट्स करना शुरू हुआ हूँ, अभी मैं नेपाल में 2-3 इवेंट्स करके आया हूँ और नेक्स्ट वीक भी मेरा एक इवेंट है, तो अभी इवेंट लाइन में अपना काम शुरू किया है मैंने, तो साथ के साथ वो भी करना पड़ रहा है। थैंक यू सो मच। इसमें अनीस भाई से पहले मुलाकात हुई है हमारी एक दो बार, तो इसमें जो कैरेक्टर मुझे बताया गया वो बहुत चैलेंजिंग कैरेक्टर है, एक पागल नहीं कहेंगे लेकिन हाफ माइंड का एक लड़के का कैरेक्टर है, तो मुझे जो मुश्किल कैरेक्टर होते हैं उसे करने में मज़ा आएगा। जैसा मैं खुद हूँ वो तो थोड़ा कम मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन एक ऐसा मुश्किल करेक्टर जो आप कहीं से कहीं नहीं है, आपके वजूद में नहीं है वो चीज़, और वो करने का मौका मिले आपको, तो फिर वो बहुत अच्छी बात है। मुझे बड़ी खुशी है कि एक ऐसा करेक्टर है जो बिल्कुल अलग है, तो वो करने में मज़ा आएगा। अभी देखते हैं आगे। इश्कवाजियाँ मेरा फ्रेंड हैं, मेरे बहुत अजीज़ हैं भाई, वो बना रहे हैं, डिफरेंट स्टोरी है, लखनऊ और कानपुर में शूट करने वाले हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, ऑल द बेस्ट। आपके बारे जानना चाहूँगा सर कि आप कैसे जुड़े हैं या सर मैं दिल से जुड़ा हुआ हूँ मैं इसमें इस फिल्म में मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ वैसे ये मेरी ही फिल्म है, तरह मतलब मेरे भाई हैं उनकी फिल्म है तो मेरी फिल्म है उस हिसाब से। प्रोफेशनली मैं इससे नहीं अभी आगे कहीं कुछ ना कुछ होगा तो 100% वेल, सबसे पहले तो सबको मेरा हाय नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। अगर हम बात करें इस फिल्म की इश्कबाजियाँ, इनके साथ मैंने पहले एक फिल्म करी हुई है जिसका नाम है जिंदगी मुल्ला, जो इंशाल्लाह जनवरी में रिलीजिंग है, और अनीश भाई जिनकी ये फिल्म है उनके साथ मैं वापस काम कर रहा हूँ। तो आई मस्ट से कि हमेशा की तरह एक बेहतरीन सा प्रोजेक्ट ये फिर से लेके आ रहे हैं आप लोगों के। तो पहले जब आपने इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स किए हैं इसके बारे में बताइए कि कौन से प्रोजेक्ट्स के थे और कितना ज़्यादा वो टर्निंग पॉइंट और कितना ज़्यादा हेल्प आउट किया आपको ये प्रोजेक्ट में? बेसिकली आई वॉज इंटू इन टेलीविजन, माई लास्ट शो वो सुहानी सी करके फॉर स्टार प्लस एज ए मेन नेगेटिव, मैंने टेलीविजन में काफ़ी काम किया हुआ है, और दिसंबर में मेरी एक फिल्म रिलीज़ हुई थी जिसका नाम था जिंदगी मुंबई, सॉरी गेम ओवर, एंड जिंदगी मुंबई रिलीजिंग पे। सो एक अलग ही प्लेटफॉर्म है, फिल्म और टेलीविज़न में फ़र्क काफ़ी है, तो ठीक है अभी फिल्म्स कर रहा हूँ और कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं। मैं सबसे पहले अनीश जी जो हमारे इस इश्कबाजियाँ मूवी के राइटर और डायरेक्टर हैं उनको कॉन्ग्रेट्स करना चाहती हूँ, और प्रियंका जी जो इस मूवी की प्रोड्यूसर हैं, ये एपी लव बर्ड्स प्रोडक्शन की तरफ से ये मूवी है, और इस मूवी में मैं एक चंदा नाम की लड़की का कैरेक्टर कर रही हूँ जो मॉडल है इसमें। इससे पहले मैंने अनीश जी के संग मतलब सेम प्रोडक्शन से एपी लव बर्ड्स से मैंने जिंदगी मुंबई और एक मूवी मैंने की है रेत, तो ये थर्ड प्रोजेक्ट है।
एक्चुअली में इस मूवी का जो ओवरऑल स्टोरी है ये है, हम जिस सिटी से बिलोंग करते हैं, मैं और अनीश जी कानपुर से बिलोंग करते हैं, तो ये स्टोरी बेसिकली वहाँ से है। अभी तो कुछ नहीं है रिसेंटली। सबसे पहले मेरी यानी कनक यादव की तरफ से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार और दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज और छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसे आज गोवर्धन पूजा है और अनीश जी की फिल्म इश्क बाजियां जो है टाइटल से ही बहुत रोमांटिक और बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा महसूस हो रहा है उसको, तो कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम बहुत अच्छा सिनेमा देखें और अनीश जी बहुत अच्छा सिनेमा दें और पब्लिक को वो पसंद आए, क्योंकि कहते हैं ना जब ये सब सीज़न चल रहा है प्यार का और अपनेपन का तो इश्कबाजियां कभी ख़त्म नहीं हो सकती टीनेज में। तो क्या आप इस प्रोजेक्ट से जुड़े हैं या फिर देखिए अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकती, बट हाँ मैं मुबारकबाद देने ज़रूर आई हूँ और जो भी इस प्रोजेक्ट से जुड़े हैं वो अपना बेस्ट दें और उन लोगों का काम आपको ज़रूर पसंद आएगा, क्योंकि इससे पहले भी मैं उनके एक फिल्म में गई थी जिसका बहुत अच्छा एक ट्रेलर मैंने देखा था और आप लोगों के बीच में एक नया सब्जेक्ट भी आएगा, तो कोशिश यही रहेगी मेरी कि मैं इसमें भी कुछ नया देखूं और अनीश जी को बेस्ट विशेस हैं कि उनकी ये फिल्म आगे जब बने हो उसके बाद सुपर डुपर हिट हो और पब्लिक को ज़रूर पसंद आए ताकि नए चेहरों को मौका मिले। मेरे तरफ से बहुत बहुत मुबारक अनीश जी को, मैं ऐसे ही यहाँ आ गया, मेरे को राघव ने इन्वाइट किया, मैं रिहर्सल कर रहा था, बोले पप्पू जी 5 मिनट, तो इतनी अच्छी पिक्चर बन रही है, फर्स्ट टाइम डायरेक्टर अनीश जी कर रहे हैं, हम लोग का साथ उनके साथ रहेगा हमेशा, और राघव मेरा अपकमिंग स्टार है, उसके साथ तो ऑलवेज मैं जैसे अल्फा मचा के गई गया था, अभी और भी एक दो पिक्चर कर रहा हूँ उनके साथ, तो ऐसे नए लड़के आए तो हम लोग को बहुत अच्छा लगता है कि नए नए लड़के नए फेस आए, और ये पिक्चर जैसे अनीश जी कर रहे हैं, कांग्रेस देता हूँ उनको कि ऐसे नए लड़के लोग को लेके लॉन्च कर रहे, बहुत बड़ी बात है। इश्क बाजियां में मैं हीरो की माँ का रोल प्ले कर रही हूँ, नेगेटिव मदर, और मेरे अपोजिट में है अखिलेंद्र मिश्रा जी जो बाबू पहलवान का किरदार कर रहे हैं, और सूरज है मेरे बेटे का नाम, और नेगेटिव माँ सौतेली माँ मतलब उनकी सेकेंड वाइफ हूँ मैं, मेरा नाम है उर्मिला शर्मा, और सीरियल्स वगैरह दिया बाती मैं लास्ट मेरा सीरियल था, रंजना में धनुष की माँ का रोल किया है मैंने। हमारे दोस्त भी बहुत अच्छे हैं और प्रोड्यूसर हैं, और बेसिकली हम सेम सिटी से हैं, सेम शहर से हैं, कानपुर से, तो टाइटल उन्होंने जो है उस हिसाब का लेके आए हैं कि हमारे जो शहर का जो एक माहौल होता है उस पर इनका जो है फिल्म आधारित है, और इश्कबाजी में बहुत अच्छा टाइटल है, बहुत ही खूबसूरती और उसमें दिख रही है कि जिस हिसाब से वहाँ जो चलता है जो कानपुर और यूपी की एक टोन होता है उस टोन के अकॉर्डिंगली ये फिल्म बना रहे हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएँ हैं, और फिल्म का जो डिस्ट्रीब्यूशन और जो मार्केटिंग पार्ट है वो हमारे साथ में अनीश भाई के साथ है, जो बिग कर्टन्स हमारी कंपनी है वो कर रही है, तो अभी तो फिल्म का मुहूर्त है और ऑलरेडी इनकी 2 फिल्में कंप्लीट हैं, तो बहुत जल्द एक 2018 के एंड में हम लोग रिलीज़ कर रहे हैं जिसका नाम है, एक तो रेत है और एक है मुंबई जिंदगी मुंबई, तो जिंदगी मुंबई बहुत अच्छी फिल्म बनी है वो मैंने देखी है, रेत जस्ट अभी कम्प्लीट हो रही है पोस्ट प्रोडक्शन पे, तो एक लॉन्ग एसोसिएशन है हमारा अनीश भाई के साथ, बहुत ही प्यारा एक दोस्ती है और एक रिश्ता है, उस रिश्ते के साथ ये फिल्में बन रही हैं और रिलीज़ हो रही हैं। अनीश जी ने बहुत मेहनत करी है इस मूवी को लिखने में, और इश्कबाजियां कानपुर बेस्ड स्टोरी है जहां पर कबूतरबाजी और बंदूकबाजी और कहना चाहिए वर्ड लड़कीबाजी प्लस इश्कबाजी, एक बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है लव एंड वॉर का, और अनीश ने बहुत मेहनत से लिखा है एंड आई होप बहुत सक्सेसफुल होगी, और अभी बाकी कुछ हमारी कास्टिंग यहाँ पर है ही, एंड ऑल द बेस्ट टू अनीश एज अ डायरेक्टर एंड अ राइटर। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पूरी टीम को बधाइयाँ देना चाहूँगी और अनीश जी को भी बधाइयाँ देना चाहूँगी कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू फिल्म, टाइटल से ही बहुत अच्छा साउंड कर रहा है इस बाजियाँ, तो ये फिल्म जैसे मुहूर्त अच्छे से हुआ है वैसे फिल्म अच्छे से कम्प्लीट हो, अच्छे से रिलीज़ हो, और सबको मेरी तरफ से बहुत सारी बेस्ट विशेज। बेसिकली आई एम ए भोजपुरी एक्ट्रेस, माई नेम इज़ सनी सिंह,
और मेरी काफ़ी फिल्में आई हैं रिसेंटली, अभी मेरी गदर 2 रिलीज़ हुई थी, तू ही तो मेरी जान है राधा 2 रिलीज़ हुई थी, तो काफ़ी फिल्में हैं और काफ़ी सारी फिल्में हैं जो आने वाली हैं। एक सवाल ये, अभी हाल ही में आपने देखा कि खेसारी लाल जी पे अटैक हुआ है बिहार में, फिर मनोज तिवारी जी पे अटैक हुआ है, क्या कहते हैं कि ये बहुत ही असुरक्षा का भावना ला रहा है और भोजपुरी आर्टिस्ट के साथ ही ऐसा हो रहा है, क्या कहते हैं इस बारे में? आप इस बारे में यही कहना चाहूँगी कि ये बहुत गलत चीज़ है, नहीं होना चाहिए आर्टिस्टों के साथ, सबको आर्टिस्टों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, समटाइम की आर्टिस्ट से भी कुछ गलती हो जाती है, बट इन सब इंसिडेंट्स में देख के ऐसा नहीं लगा कि आर्टिस्टों की कोई गलती थी, खेसारी जी वाले इंसिडेंट्स में। और मनोज जी तो अब आर्टिस्ट रहे नहीं, वो तो फ़िलहाल पॉलिटिक्स में है, तो पॉलिटिक्स में ऐसी टाइप की चीज़ें होती रहती हैं, बट ऐसा नहीं होना चाहिए बिकॉज दिस इज़ रॉन्ग। आगे के प्रोजेक्ट कौन से हैं, किस फिल्म में काम कर रहे हैं? अभी आगे के मेरे प्रोजेक्ट हैं बंधन प्यार के, जो कि हम शूट करने वाले हैं नवंबर में, और उसके बाद मेरी फिल्म है मीरा राधा, 2-3 फिल्में जो हैं जो फ्लोर पे जा रही हैं दिसंबर एंड नवंबर। इश्कबाजियाँ ये कानपुर और लखनऊ के ऊपर एक प्रेम कहानी के ऊपर ये मूवी है, और जिसको अनीश सर काफ़ी डायरेक्ट कर रहे हैं, राइटर भी हैं उस मूवी के, और मैं एज अ उनके साथ असिस्टेंट काम कर रहा हूँ इस मूवी का, और काफ़ी अच्छी मूवी है, प्रेम कहानी के ऊपर है। तो कहाँ का शूटिंग होने वाली, क्या प्लानिंग है? इसका शूट कानपुर और लखनऊ दोनों जगह पे शूट होना है इसका जी, अभी लोकेशंस पूरी तरह से फाइनल नहीं है बट चल रहा है, प्रोसेस में है चीज़ें। आजकल का जिस तरह का ट्रेंड है तो वो लव स्टोरीज पे ज़्यादा वो चीज़ें होती हैं, चाहे आप आज की 2 ले लीजिए, किसी भी तरह की होती हैं, तो इसी तरह का है, एक आजकल प्रेम का चल भी रहा है माहौल हमारी इंडस्ट्री में भी सब जगह पे, तो मूवी प्रेम के ऊपर है, प्यार के ऊपर है, काफ़ी बेहतरीन मूवी है, स्टोरी है, लोगों को पसंद आएगी काफ़ी, एज अ फैन मैं ये बोलूँगा कि काफ़ी मूवी सबको पसंद आएगी। हमारा म्यूज़िक लॉन्च हो रहा है, म्यूज़िक का मुहूर्त है, मैं तो बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, और ये हमारे यूपी से एक निकलते उभरते हुए चेहरा है अनीश भाई, और उनके लिए बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएँ हैं, और मेरा इंडस्ट्री में पहला कदम है, मैं बरसों से तमन्ना थी मेरी इंडस्ट्री में आने की, और मुझे मौका मिला है अनीश भाई ने दिया है, और मैं आगे भी मेहनत करूँगा और इनके साथ जुड़ा रहूँगा मैं। किस तरह से फिल्म से जुड़े हैं, क्या एज एन एक्टर किरदार निभा रहे हैं या कोई और? नहीं, मैं तो को प्रोड्यूसर हूँ, मैं एक्टर नहीं हूँ, बस इतना ही है। मूवी देखी नहीं तो फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ, बट मेरे हस्बैंड काम कर रहे हैं, आई एम हैप्पी फॉर दिस, एंड मैं चाहूँगी कि फिल्म हिट हो, एंड बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके। फिल्म यूपी को दर्शाया गया है, फिल्म यूपी को दर्शाया गया है और कानपुर को, और